जी तो जनाब, वाइट सॉस पास्ता की अब तक की सबसे इजी रेसिपी। मैंने भी वाइट सॉस पास्ता जो है पहली बार ही बनाया है और साथ ही मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आप सबके साथ शेयर किया है। बड़ा ही खूबसूरत लग रही है। देखें, वाइट सॉस में थोड़ा कम नज़र आ रही है, मैं आपको बताऊंगी एंड पे कि क्या हुआ है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा था और मैं फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस ही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहती हूँ कि होम शेफ्स जो होते हैं वो परफेक्ट, हम भी एक इन अ वे हम सब भी परफेक्ट हैं, लेकिन मैं कोई प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके घर वालों, बहन भाइयों, अब माँ बाप को, दो रिश्तेदारों को, सबको अपने जुमान में रखे, और आपके तफैल मेरे घर वालों, मेरे बहन भाइयों, अबू को, मेरे भाभीियों को, मेरे ससुराल वालों को, सबको अपने जुमान में रखे, और दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ जिस जिस अजियत का शिकार हैं उन सब पे अपना ख़ास नज़र करम करे, आमीन। ज़रूर दुआ कीजिए, किया कीजिए आप भी। तो ये जनाब आप देख सकते हैं कि मैंने पानी बॉयल हो गया था और उसमें मैंने जो मैक्रोनी है वो बॉयल होने के लिए मैंने डाल दी थी। अब आप देख सकते हैं, अब इसको अपने चम्मच, जब आप मैक्रोनी को पानी में डालते हैं तो उसको आप लाजमी जो है चम्मच उसमें हिला दिया करें। इसमें मैंने चिकन लिया है, ये तकरीबन हाफ के जी चिकन था, और उसमें सब्जियों में कैरेट और कैप्सिकम, और ये जो है क्रश हुआ हमारे पास गार्लिक है, चॉप करनी हमने वेजिटेबल्स। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसमें मैंने चिकन जो है डाल दिया है। इस चिकन को वाइट होने में जितनी देर में ये अपना पानी छोड़ेगा, और वो पानी जितनी देर में खुश्क होगा ये चिकन उतनी देर में गल जाएगा। बोनलेस चिकन के जो छोटे स्मॉल जो क्यूब्स होते हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पानी जो है ऑलमोस्ट खुश्क हो गया और साथ ही ये चिकन भी गल चुका है बिल्कुल, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। ज़्यादा इसको हम पकाते हैं तो ये ज़्यादा फिर जो है हार्ड हो जाता है, बाहर से इसकी आउटर जो लेयर होती है वो हार्ड होने लग जाती है। तो इसमें ये मैंने जो लहसुन चॉप किया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इस लहसुन को हमने इतनी देर के लिए इसमें सॉटे करना है जितनी देर में बस इसकी हमें खुशबू आने लग जाए, लहसुन की ब्राउन वगैरह बिल्कुल नहीं करना। और इसमें अब लहसुन दूसरे तरीके से भी डाल सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो स्पेगेटी में ज़्यादा अच्छा लगता है जिससे हम तड़का लगाते हैं, लहसुन काट के हम डालते हैं। अब जो वेजिटेबल्स है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने वेजिटेबल्स को गलाना नहीं है, इनको हम क्रंची रखेंगे, बस सॉटे करना है हमने। तो सॉटे करने में ये इसमें हम जो इसमें मसाले ऐड करने वो भी ऐड कर लेंगे। मसाले भी इसमें हमने कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करने, थोड़े से मसाले ऐड होंगे। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये जो है मैं चिकन को और सब्जियों के साथ जो है सॉटे कर रही हूँ। तो ये अब आपने इसको जो है इसमें, इसके बाद अब इसमें जाएंगे मसाले, इसमें मसाले डालने। मसालों में इसमें जाएगा नमक, इसमें थोड़ा ही जाएगा क्योंकि पानी में भी गया था, और सुबह सॉस में भी थोड़ा सा नमक डालेगा। तो ये आपने इतना नमक थोड़ा ही डालें क्योंकि तेज़ ना हो जाए, फिर बाद में जो है मसाला बनता है। और ये जो चिली फ्लेक्स होते हैं, जो क्रश चिली, दड़ा मिर्च जिसको हम कहते हैं, वो हमने इसमें ऐड करनी है। मैक्रोनी में मोस्टली जब भी बनाती हूँ मैं दड़ा मिर्च ही ऐड करती हूँ, चिली फ्लेक्स ही ऐड करती हूँ, क्योंकि ब्लैक पेपर से भी मुझे लगता है कि थोड़ी इतना उसमें स्पाइसीनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो बच्चों वाला घर है तो वो बच्चे थोड़े आराम से खा लेते हैं, मिर्ची होती हैं तो फिर बच्चे खाने में मसला करते हैं। तो आपने बस ये देख लें, आपके ये रेडी है। इसके बाद मैंने इसको साइड पे कर दिया था। मैंने दूसरी कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल ऐड किया है आपके सामने। अब ये ऑयल इस टाइम मैंने थोड़ा ही लिया है क्योंकि ऑयल पहले भी हमने ऐड किया है, और पानी बॉयल करते हुए मैक्रोनी के पानी में भी हमने ऑयल डाला था। तो इतनी ऑयल हमने मैक्रोनी नहीं बनानी। इसमें मैंने जो रेसिपी के हिसाब से मैंने इसमें आप देख लेंगे, वैसे ये 2 टेबलस्पून है जो मैदा है, ये मैदा हमने इसमें ऐड करना है, फ्लोर, वाइट फ्लोर। तो ये इसको आपने इसमें ऑयल में सॉटे करना है। आप देख रहे हैं ऑयल बिल्कुल इसने पी लिया, यानी कि ऑयल ज़्यादा ही कम था। मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें और ऐड करूँगी ताकि ये इसमें ऑयल में थोड़ा सा अच्छा फ्राई हो जाए। तो उसके बाद इसमें फिर हम ऐड करेंगे दूध, देखें ज़्यादा ऑयल कम है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल ड्राई हो गया, इसको थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाला है ताकि ये अच्छी तरह से बीच में फ्राई हो जाए। अब आप देखें, मैं इसको ये देखें, ये इस तरह के में चाहिए कि इसकी जो है कंसिस्टेंसी बन जाए। तो इसको बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने खुद भी ये फर्स्ट टाइम बनाया है, फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम ही मैं आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। नहीं तो मैं वही अपने टिपिकल लद्दाख से ही मैक्रोनी बनाती हूँ जिससे मैं बनाती हूँ। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लोर है ये बस फ्राई हो रहा है, इसको हमने फ्राई करना है। ये देख लिया, अभी थोड़ा सा अपना कलर चेंज किया है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमने पकाना है क्योंकि हमने इसको जलाना नहीं है। ये मैंने इसमें 1 कप जो है वो दूध ऐड किया है। तो ये मुझे लग रहा था एकदम से बहुत ज़्यादा ना ड्राई हो गया, तो मैंने फिर थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड किया था। लेकिन ये देखें एकदम से ड्राई होकर हार्ड हुआ है,
ठीक होके ना, तो ये एकदम से वो बहुत ज़्यादा ठीक हो गया था। तो मैंने इसमें फिर थोड़ा सा दूध और ऐड किया था, ये अब आपके सामने आप देख सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी लिक्विडी सा ये थोड़ा ठीक हो रहा है। तो इसके बाद इसको हमने अच्छा से जो है इसको स्टर कर लेना है, ताकि इसमें लम्स वगैरह जो सारे ख़त्म हो जाएंगे सारे। मेरे जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो है, तो उसकी वजह से ताकि ये नीचे लगे नहीं। फिर थोड़ी देर उसको हम स्टर करेंगे। जब आपको लगे कि ये जो फ्लोर है ये पक गया होगा, यानी कि थोड़ी उसकी वो जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो गया होगा, तो इसमें हम फिर जो है मसाले ऐड करेंगे, इंग्रेडिएंट आएंगे बाकी सारे इसमें। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने अब इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो मसालों में इस टाइम मैं इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड करूँगी। इधर देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला है, ज़्यादा नमक नहीं डाला क्योंकि नमक ना तेज़ हो जाए। और इसमें फिर चिली फ्लेक्स जाएंगे और ब्लैक पेपर जाएगी, और इसमें फिर हम ऐड करेंगे जो हमने बाकी चीज़ें बनाई हैं, जो मैक्रोनी बॉयल की है और जो हमने वेजिटेबल्स और चिकन जो हमने वो तैयार किया। तो ये चिली फ्लेक्स मैंने इसमें डाल देंगे, इसको हम मिक्स करेंगे स्टर स्टर स्टर, तो ताकि अच्छी तरह से ये जो है मिक्स हो जाए, लम्स वगैरह नहीं बने बीच में। अभी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा मैंने ज़्यादा थिक कर दिया, लेकिन मुझे उस टाइम समझ नहीं आई थी कि, यानी मैं ख़ुद भी फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो ये बीच में मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड की है इसमें थोड़ी सी। तो ये अब हम इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। मैक्रोनी ऐड करने में मैंने ये देख सकते हैं आप, मैं बिल्कुल आपके सामने बना रही हूँ, यानी मैंने कोई इसमें कोई चीज़ ऐसी वो नहीं बनाई, कोई नहीं कोई चीज़ हट के नहीं, कोई डाली नहीं है कि देखें अब ठीक हो रहा है। जैसे जैसे ये इसको मैं स्टर कर रही हूँ तो ये ठीक होता जा रहा है, तो इसको हमने और ज़्यादा ठीक नहीं करना। तो इसमें हमने अब मैक्रोनी ऐड कर देनी है। ये देखें अब इसके जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी है, तो इसमें हम अब मैक्रोनी ऐड करेंगे। ये अब आप देख लें मैंने इसमें मैक्रोनी ऐड की थी, और मैंने सारी मैक्रोनी ऐड कर दी, और मेरी जो सॉस थी वो कम पड़ गई। तो नेक्स्ट टाइम आप जब बनाएंगे तो आपने सॉस दूध थोड़ा ज़्यादा बना लेना है। मैंने इसमें चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें चीज़ भी डलती है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो हम नहीं डालें। चीज़ जो है एक लग्जरी आइटम में आती है, तो अगर हमारे पास लग्जरी आइटम नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम जो हमारे पास आइटम मौजूद है उससे हम बना लेंगे। कोई बात है कि इंसान जो है अशरफ़ुल मखलूकात है, क्यों ना हम क्यों बैठे रहेंगे भाई ये चीज़ नहीं है तो हम ये नहीं बना सकते। लेकिन अब देख सकते हैं कि वाइट सॉस जो है कम हो गया था, तो इसमें दूध अब थोड़ा और ऐड कर लें, मैं भी नेक्स्ट टाइम दूध ज़्यादा ऐड करूँगी। तो बाकी चिकन और जो वेजिटेबल्स हैं वो जो हमने स्टार्ट की थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे, और वो इसमें ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ऊपर हम ओरिगैनो थोड़ा सा डालेंगे, और ये हमारे बड़ा मज़ेदार सा था, ये अच्छा टेस्ट था इसका बहुत, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं बनाया, और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दिया करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का पता चल सके। और जो है आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, या नहीं अच्छी लगी, या क्या चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं, तो फील फ्री मुझे ज़रूर बताएं। आप देखिए आप देख सकते हैं ओरिगैनो मैंने इसमें ऐड किया है, इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू हो जाती है मैक्रोनी में, पास्ता में, मतलब कि बहुत अच्छा ये लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।